अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FNS किचन में एक दफ़ा फिर हम हाज़िर हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ जिसका नाम है क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी। इसके अज्ज़ा हम आपको साथ साथ बताते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 500 ग्राम मैश्ड पोटैटोस है जिनको मैंने बॉयल किया है और इनको मैश कर लिया मैंने। इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर जो है मिल्क है वो जाएगा, 1 टीस्पून के बराबर ब्लैक क्रश चिली है वो जाएगी, 1/4 टीस्पून के बराबर रेड क्रश चिली हो जाएगी, 1 टीस्पून नमक है हो जाएगा, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है कॉर्न स्टार्च हो जाएगा, 1 अंडा है वो हो जाएगा। इसको अब हमने मिक्स अच्छे तरीके से कर लेना है, अच्छे तरीके से ट्विस्ट करना है, फिर मैं आपको बाकी का प्रोसीजर बताती हूँ। ये देखिए जो मैंने अमेजा तैयार किया था इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाला है। ये देखिए इसको मैंने नीचे से कट किया है। आपके पास पाइपिंग बैग ना हो आप कोई भी टाइट किस्म का पॉलीथीन बैग लें उसको नीचे से कट करें। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ऑयल को हीटअप किया हुआ है। ये देखिए मैं इस तरह से इसको डाल रही हूँ। ये आपने इसको रिंग्स इसके तकरीबन आपने बना लेने हैं। ये देखिए मैं इसके रिंग्स बना रही हूँ। आपके रिंग्स ना भी बने तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए हमारे फ्राइज जो हैं वो बहुत खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हमने इसको फ्राई कर लिया है, ट्विस्टेड कर्ली फ्राई को। ये हमारी कर्ली फ्राइज, ट्विस्ट कर्ली फ्राइज जो है वो रेडी हैं। आप अपने बच्चों को ज़रूर ट्राई करवाइएगा, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और ये स्पेशली छोटे बच्चों की ही रेसिपी है कि आप उनको जो है वो स्कूल से आएँ और आप उनको ये सर्व करें। हमें बताइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको कैसे लगे कमेंट्स दीजिएगा। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।